देश में प्रदेश की वर्तमान स्थिति से आहत होते हुए चंदौसी की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने आज अपना जन्म दिवस आत्मचिंतन दिवस के रूप में नगर के शहीद भगत सिंह प्रतिमा पर एक दिन का उपवास रखकर मनाया। इस मौके पर नगर के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वर्तमान में देश और प्रदेश की स्थिति बेहद चिंतनीय है। देश का किसान और नौजवान आज बदहाल हालत में है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। आज देश और प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में मुझे अपना जन्म दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ दो बकी रोटी भी किसी को न मिलती हो। इस मौके पर उनके साथ व्यापार सभा के राष्ट्रीय सचिव पवन गुप्ता, राजीव कुमार, मधु वाल्मीकि व अन्य लोग उपस्थित रहे। चिंतन किया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी जी का आज जन्म दिवस था। उन्होंने हमें सूचित किया कि मैं इसे देश की परिस्थितियां जो हैं उस पर आत्मचिंतन के लिए आज उपवास रखकर सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा के नीचे बैठने का काम करूंगा। मैं भी यहाँ आया, इसमें मुझे इतना ही कहना है कि जो परिस्थितियां देश की मोदी और योगी सरकार ने बना दी हैं 2014 से अब तक, कोरोना काल में आपने देखा था कि स्वास्थ्य के लिए जाने वाले गरीबों के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद लगातार अभी एक बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि वैज्ञानिकों पर और देश की जनता पर और किसानों पर हमारा पूरा भरोसा है। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिन नारे या जिन मैनिफेस्टो के माध्यम से सरकार में आई है वो सब झूठ बोलने वाले थे, चाहे वो उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। देश में ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी लोकतंत्र का रक्षक और लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाला आज कोई भी खुशी का कार्यक्रम नहीं मना सकता। उसी को लेकर जो मीडिया ने बिना का जो अजीते करने का काम किया है, अफवाह फैलाने का काम किया है, हमारा अब भी यही कहना है। अभी उसके उसका उदाहरण एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के ने कह दिया कि हम बाद में लगाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम अब भी ये कहते हैं कि हमें वैज्ञानिकों से लेकर कंपनियों पे भरोसा है, लेकिन मोदी जी कई बातों का हमें भरोसा नहीं कि जो वैक्सीन आई है वो सही है या गलत। उसका तय करने से पहले मोदी जी को स्वयं ये तय करना होगा कि जनता के बीच जो भी भाषण दें वो सत्य के साथ दें, और उसका अभी तक कोई भी भाषण उनके सत्य का प्रतीक इस देश के लिए सब नहीं हो पाया है। उसका उदाहरण आपको किसानों का लगातार हो रहा धरना प्रदर्शन, जहाँ 40 से अधिक किसान की मृत्यु हो गई, लेकिन ये सरकार जनता और संविधान के प्रति कहीं विश्वास नहीं रखती है। इस कारण ही हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम लोग देश में अपना जन्मदिन ही नहीं और भी ऐसे कार्यक्रम जो सामाजिक होते हैं जो आवश्यक है उन्हें छोड़कर हम कोई भी खुशी का कार्यक्रम नहीं मनाएंगे। ऐसे दौर में जब देश और प्रदेश की स्थिति भयावह हो, जहां मुरादनगर में 24 मौतें हुई हों और प्रदेश और देश का कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने के तैयार न हो, इससे ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं हो सकती, खराब स्थिति। किसान आंदोलन में 60 लोग खत्म हो चुके, बाबा राम सिंह जी ने और बाबा स्वर्ण सिंह जी ने अपनी शहादत दे दी अपने आप ख़त्म करके, लेकिन देश और प्रदेश के जो सत्तारूढ़ दल हैं उन पर कान पर जू नहीं रेंग रही। ऐसी स्थिति में जन्मदिन मनाना मेरे लिए बड़ी चीज़ थी, मैं नहीं मना सकता था। कौन सी खुशी का ही खुशी जब पूरे देश में त्राही त्राही लोग कर रहे हों, बहन बेटियाँ सुरक्षित ना हों, किसान देश का अन्नदाता खुली सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है ठंडों की सर्दी में, उसके बावजूद भी उसकी बात मानो तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि देश की और प्रदेश की सरगुंगी बेरी सरकारें ये सोचें कि किसान जब नहीं चाहता उन काले कानूनों को तो उनको वापस लें, और 24 जो लोग मुरादनगर में ख़त्म हुए हैं उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, कौन दोषी हैं उनके पीछे उनको भी जब मतलब वो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। उनके मरने वाले परिवारों को 50-50 लाख की आर्थिक सरकार अनुदान दे और प्रत्येक परिवार को एक नौकरी दे, क्योंकि इतनी ख़राब स्थिति, संवेदना नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। ना प्रदेश सरकार में संवेदना है, ना केंद्र सरकार में संवेदना है, और संवेदना होती तो किसान आंदोलन पर ये लोग चुप ही नहीं साधते। आज बाबा सुवर्ण सिंह जो हमारे रामपुर के किसान थे, उन्होंने अपने आप को फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। बाबा राम सिंह जी, उन्होंने अपने आप को पिस्टल से ख़त्म कर लिया। 60 किसान खत्म हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी, योगी जी, आपकी आंखें नहीं खुल रही। कहाँ लेके जाओगे इस देश और प्रदेश को? कहाँ जिंदा संविधान रहेगा? कहाँ जिंदा इस देश का कानून व्यवस्था रहेगी?
हम चाहते हैं कि इस देश में कानून व्यवस्था हो, लोकतंत्र हो और देश की स्थिति बिल्कुल वैसे कानून के सहारे चले, तानाशाही के सहारे न चले। पूंजीपतियों के लिए आए हो, किसान की बात नहीं सुनोगे? आज उपवास में यही हमने आत्मचिंतन किया, यही सोचा कि हमने क्या खोया क्या पाया। इन्होंने कोरोना काल में हमने पूरे देश की जनता ने खोया खोया है। हमारे लिए आपदा थी, इनके लिए अवसर था। इनके अवसर इन्होंने उद्योगपतियों के लिए पूंजीपतियों को दिया, ये देश की दुर्भाग्य है देश का, यही कहना हमने चिंतन किया आज के दिन।